समझल दो ये बोलो भाई टाइम में सब टाइम में टाइम में सवा करुण करुण ना आपने चुप कर बहुत खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि बंगाल के लोग बहुत खुश होंगे कि इनका नॉमिनेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ और बच्चे समय पे हुआ, तो इसलिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो क्या पिछली बार जो मार्जिन था उसे क्या बढ़ेगा क्या? हाँ, ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो काम पब्लिक ने देखा है। वो बिहारी बाबू बंगाली बाबू सब बंद है, अब कोई नहीं बोलता ये सब, बिकॉज इन लोग अपना एक पार्ट मानते हैं। जोश देख रहा हूँ जनता का, आशीर्वाद है साथ में। पिछली बार जो काम किया और हम लोगों ने ममता जी का या तृणमूल कांग्रेस का जो नाम किया है यहाँ पे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके आधार पे इस बार हम सब मिलकर ममता जी जो देश की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट और पावरफुल और सबसे पॉपुलर लीडर है, उनके नेतृत्व में इस बार हम एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे आसनसोल में, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। इस बार जनसलक को देख के क्या लग रहा है? बहुत जबरदस्त उमंग है, उत्साह है, समर्थन है और ये लोग बिल्कुल साथ हैं। इन्होंने हमारे काम की सराहना की है, ममता जी के नेतृत्व की बहुत सराहना करते हैं ये लोग। जो ममता जी ने बंगाल के लिए किया है वो शायद आज तक किसी नेता ने अपने प्रदेश के लिए नहीं किया होगा। वो सब देखकर इस बार और ख़ासकर हमारे केंद्र की सरकार और माननीय दोस्त हमारे प्रधानमंत्री, जिस तरह से उन्होंने अपमानजनक शब्दों का फिर से प्रयोग किया ममता जी के खिलाफ, पिछली बार दीदी और दीदी का मजाक बहुत भारी पड़ गया था उनको, लोगों ने उसका भरपूर जवाब दिया था। इस बार जो किया है माननीय ने, उसका आसनसोल की जनता और बंगाल के लोग मिलकर एक मुँह तोड़ जवाब देंगे। इस बार ममता जी की जीत जो हमारी है वो सही मायनों में ममता जी के नेतृत्व की जीत होगी, ममता जी के व्यक्तित्व की जीत होगी और सबसे ज़्यादा आसनसोल के जनता जनार्दन की जीत होगी। थैंक यू।
सर सर से सर वन मिनट सारे इधर इधर सर सर थैंक यू संजल दा ये बोलो भाई टाइम में सर टाइम में टाइम में सवा करोन करोन ना आपने चुप कर सर सर से सर वन मिनट सारे इधर इधर सर सर थैंक यू संजल दा ये बोलो भाई टाइम में सर टाइम में टाइम में सवा करोन करोन ना आपने चुप कर ठीक है तो हम सर सर से सर वन मिनट सारे इधर इधर सर सर